हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड डू यू नो, आज से लगभग 20 साल पहले 2003 में एक अमेरिकन रिसर्च क्रू ग्लोमर चैलेंजर नाम की अपने रोबोटिक अनमैन्ड सबमरीन की मदद से मरियाना ट्रेंच अंदरूनी हिस्सों में रिसर्च कर रही थी और तभी उन्हें कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जब उन्होंने उस व्हीकल को सतह पर खींचा तो पता चला कि उसकी शिप से कनेक्टेड मोटे मेटल केबल्स आधे कटे हुए थे और उसका एक साइड पूरी तरीके से पिचक चुका था। पर आखिर इतने कम समय में इतना भारी नुकसान कौन सा जीव कर सकता था? वेल, कई रिसर्चों के अनुसार इतना भारी नुकसान सिर्फ 20 मीटर लंबी मेगालोडॉन शार्क ही कर सकती है, जो शार्क स्पीशी आज से तकरीबन 2 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुकी है। वेल, 1960 में मरियाना ट्रेंच की गहराई में ट्रैवल कर रहे पहले एक्सपेडिशनरीज डॉन और जैकिस के वेसल की कांच भी शायद फिर इसी जीव ने तोड़ी थी। वेल, आपको क्या लगता है? The only way to find out is by diving deep in our today's wonderful video titled What Scared the Expedition in the Mariana Trench? साल 1872 से लेकर 1976 के बीच HMS Challenger नाम की एक British research vehicle Pacific Ocean के अलग-अलग regions की गहराई नाप रहा था। For research purposes of course, और उसका तरीका भी काफी simple था कि बस रस्सी पर weight बांधकर समुंदर में डालो और फिर उस रस्सी को नाप कर गहराई का पता लगाओ। पर तभी चैलेंजर के साथ कुछ अजीब हुआ। समवेयर बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया यानी कि मरियाना आइलैंड के बिल्कुल बगल में ये लोग अपना यही मेजरमेंट का रूटीन काम कर रहे थे और तब उन्होंने देखा कि उनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी पूरी तरीके से अंदर की ओर डूबती ही जा रही थी, which was quite strange, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि समुंदर का तल मानो गायब सा हो गया है। और हालांकि किसी आइलैंड के किनारे के इतना नजदीक यूजुअली 1 किलोमीटर से ज्यादा गहराई नहीं होती है। सो टू सेटल दिस मिस्ट्री, चैलेंजर के क्रू ने उस 1 किलोमीटर लंबी रस्सी में उतनी ही लंबी एक और एक रस्सी एड कर दी और उसे भी नीचे छोड़ने लग गए टू मेजर द एक्चुअल डेप्थ। बट ये करने के बाद भी समुंदर का तल अभी भी महसूस नहीं हो रहा था और यह देखकर क्रू ने भी अपने ईगो पर ले लिया और रस्सी पर रस्सी बांधते गए, उसकी लंबाई को बढ़ाते चले गए। रस्सी लंबी पे लंबी होती जा रही थी अंटिल दे रीच्ड द बॉटम। बट यू नो, बॉटम तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी रस्सियां लग गई? वेल, पूरी 11 रस्सियां, व्हिच मेंट समुंदर के नीचे उस एरिया में गहराई 11 किलोमीटर की थी। और हालांकि लेटर साउंड वेव्स की मदद से ये पता चला कि इट वाज एप्रोक्सीमेटली 10.994 किलोमीटर, बट ये इतनी गहराई है कि अगर हम एक इन्वर्टेड शेप में माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समुंदर के खाई में घुसा डाले तो वो पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समुंदर के नीचे समा जाएगा। माइंड यू, फिर भी उसकी लंबाई 1 से 2 किलोमीटर कम पड़ जाएगी। सो उन्होंने इस 10.994 किलोमीटर गहरे और 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े ऑलमोस्ट क्रेसेंट यानी कि सी शेप के सबसे डीपेस्ट रीजन को नाम दिया द मरियाना ट्रेंच विद इट्स 1 to 5 किलोमीटर वाइड ओशन फ्लोर कॉल्ड द चैलेंजर एबिस, नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश वेसल चैलेंजर हु फाउंड इट। खैर, फास्ट फॉरवर्ड टू January 23, 1960 यानी कि मरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के ऑलमोस्ट 88 इयर्स बाद एक दिन अचानक से खबर आती है कि एडवेंचर प्रेमी प्लस इंजीनियर प्लस स्विस ओशनोग्राफर जैकिस पिकर्ड एक यूएस नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श के साथ मिलकर मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर एबिस तक गोता लगाने वाला है अंडर द कोड नेम प्रोजेक्ट नेक्टॉन। अब दिस वॉज अ वेरी एम्बिशियस मूव, बट आखिर वो ऐसा करने कैसे वाला था? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के डेंजर के बारे में आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर प्रेशर वॉज 1072 टाइम्स मोर देन द एवरेज एटमोस्फियरिक प्रेशर। अर्थात अगर आप किसी धातु से बने ईंट को लेकर ऐसी गहराई की ओर प्रस्थान करोगे तो नीचे तल तक पहुंचने तक आप देखोगे कि वो ईंट दबाव के कारण पिचक कर फॉइल बन चुका है। सो द रियल डेंजर ओवर हियर इज क्या अगर आपका सर, आपकी आंखें और बाकी पुर्जे पिचक गए तो? अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ दिनों पहले आपसे ये पूछा था कि आप कौन से टॉपिक पर मुझसे लाइव इंटरैक्शन सेशन चाहोगे और 60% व्यूअर्स ने बताया कि उन्हें हाउ टू फाइंड द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ इन 2022 इस टॉपिक पर एक सेशन चाहिए। और इसीलिए इसी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आ रहा हूं अन अकेडमी वेबसाइट पर जहां पर हम यही लाइव स्ट्रीम सेशन कंडक्ट करेंगे और इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके नोटिफाई मी पर क्लिक करना है और सिंपली एंटर द कोड गेट सेट फ्लाई फॉर मैक्सिमम benefits. So come prepared with your questions and queries because मैं जितना हो सके आप सभी के सारे questions को answer करने की पूरी कोशिश करूंगा. We'll basically be talking about कि future के लिए क्या trend अभी से evolve हो रहा है, कौन सी industry बड़ी होने वाली है, so that आप अभी से ही उसकी preparation कर सको. And trust me, इस session में जो बातें मैं आपको बताऊंगा that can really change your life. आपको एक broad perspective देंगे about how to approach things.
So, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड साइन अप नाउ. सेशन कल शाम को 4 बजे होने वाला है. आई विल बी वेटिंग. सो व्हाट डिड जैकिस कम अप विद? वेल, जैकिस के पिताजी ऑगस्ट पिकर्ड ने 50s के दशक में एक डीप सी वेसल यानी कि बैथिस्केप बनाया था विद द नेम ट्रायस्टे, जो कि 13 सेंटीमीटर थिक मेटल वॉल से प्रोटेक्टेड था, और जैकिस उसी को लेकर समुद्र में उतरने वाला था. बट वॉज दिस रियली अ गुड आइडिया? बिकॉज ट्रायस्टे ने अपनी पहली डुबकी 1953 में लगाई थी इन द मेडिटेरेनियन सी एंड इट कुड ओनली रीच अ रिकॉर्ड डेप्थ ऑफ अराउंड 3,150 meters और सिंपली 3.15 किलोमीटर. आई मीन भले ही 1953 से 1957 तक इस बैथिस्केप ने अपने आप को ऐसे डीप सी ऑपरेशंस के लिए प्रूव किया था, बट हाउ वाइज वाज इट टू टेक इट डाउन टू ऑलमोस्ट 3 times इट्स रिकॉर्ड डेप्थ? वेल, जैकिस और डॉन को इस सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. वो तुरंत ही ट्रायस्टे में बैठकर 8:23 AM मॉर्निंग को अपना सफर शुरू कर दिए. नाउ सफर शुरू करते ही 8 किलोमीटर तक तो ट्रायस्टे ने काफी तेजी से डिसेंड किया एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 0.9 meters per second. बट देन उसके बाद उन्हें अपनी स्पीड को घटाना पड़ा ताकि वेसल किसी पत्थर से ना टकरा जाए. उसके बाद फिर वो डिसेंड करते गए एंड फाइनली इस वेसल ने दोपहर के 1:06 को नीचे तल को टच किया और महज सिर्फ 20 मिनट वहां अंधेरे में बिताने के बाद 3.5 घंटे में वापस सतह पर लौट भी आए. पर नीचे पहुंचने के बाद भी इतना जल्दी ऊपर आना, इस घाई के पीछे की वजह क्या थी? क्या उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी या महसूस की जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती थी? Well, पहले तो विद इन मिनट्स ऑफ बीइंग इन द चैलेंजर एबिस यानी कि द डीपेस्ट पॉइंट इन द मरियाना ट्रेंच, डॉन और जैकिस ने एक इंप्रेसिव डिस्कवरी की. वो ये कि वर्टिब्रेट वाले फिशेस चैलेंजर एबिस में सरवाइव नहीं कर सकते. ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि ट्रायस्टे पर लगी लाइट्स की मदद से उन्होंने 30 सेंटीमीटर लंबी 2 चपटी मछलियों को देखा. इसके साथ उन्होंने कुछ श्रिम्स को भी वहां पर देखा, तो बड़े मजे से वहां पर स्विम कर रहे थे. बट व्हाइल दे वर डिसेंडिंग डाउन एंड एंजॉयिंग दिस व्यू, कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें ऑलमोस्ट अपनी कब्र तक पहुंचा. सतह से 32,000 feet नीचे जब ट्रायस्टे बस बॉटम को टच ही करने वाला था, तब अचानक से दोनों एक्सपेडिशनरीज ने कुछ हल्की तड़तड़ाने की आवाज सुनी, फॉलोड बाय हेवी शॉक वेव जिसने पूरे केबिन को ही हिला दिया. पहले तो उन्हें लगा कि शायद वेसल बॉटम को छू चुका है और ये उसका झटका था, बट लेटर दे फाउंड आउट दैट बॉटम को टच करना तो अभी एक्चुअली बाकी था. कुछ फीट के डिस्टेंस को कवर करना भी बाकी था, जो ट्रायस्टे काफी अच्छे से कर भी रहा था, और इसीलिए फाइनली उन्होंने उस क्रैकिंग साउंड को फिर से सुनने के लिए हर वो चीज जो ऐसी आवाज कर सकती है उन सभी को कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर दिया. पर ऐसा करने से उन्हें कुछ ऐसा महसूस होने लगा जिसके कुछ एंट लाइक क्रीचर्स या पॉसिबली श्रिम्प्स उनके वेसल पर ऐसे रेंगने की आवाज आती है ना, वैसे करके चल रहे हैं. तो यहां पर सवाल यह है कि क्या वो साधारण से श्रिम्प्स थे या फिर कुछ और थे? वेल, डॉन ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तुरंत ही जैकिस को वेसल को बाहर लगी सर्च लाइट्स ऑन करने को कहा ताकि वेसल के बाहर के हालात का जायजा लिया जा सके. आफ्टर विच दे फाउंड आउट कि असल में जिस एंट्री ट्यूब से होकर वो दोनों केबिन में आए थे उसके डोर पर लगी फ्लेक्सी ग्लास व्यूइंग पोर्ट या सिंपल शब्दों में कहूं तो खिड़की की कांच पर क्रैक्स पड़ रहे थे और वो किसी भी वक्त टूट सकती थी, और इसीलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी ऊपर सतह पर आने का डिसीजन ले लिया. पर फ्रेंड्स, अब यहां पर सवाल यह है कि क्या डॉन वॉल्श और जैकिस पिकर्ड इस सिंपल से जवाब से सैटिस्फाइड थे? अब कोई ये नहीं कह सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था. हम बस उनकी हरकतों से अंदाजा ही लगा सकते थे दैट दे वर अप टू समथिंग, क्योंकि भले ही 2008 में पिकर्ड की मौत हो गई, डॉन वॉल्श बिकेम द की एडवाइजर फॉर टाइटैनिक मूवी डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जो 2012 में एक सिमिलर एक्सपेडिशनरी मिशन करवाने वाले थे using a new and advanced deep sea challenger bathyscape. अब क्योंकि इस बार 5 दशक नई टेक्नोलॉजी मरियाना ट्रेंच में उतरने वाली थी, इवन डॉन वॉल्श इस एक्सपेडिशन को लेकर काफी उम्मीदें रख रहे थे कि फाइनली अब उन्हें इन सवालों का जवाब मिलेगा कि समुद्र के नीचे आखिर क्या है, कि 1960 में उनके साथ जो हुआ था वो बस समुद्री प्रेशर का करा धरा था या फिर इतनी गहराई में रहने वाले किसी बड़े समुद्री जीव का. एवरी रिसर्चर वॉज एट द एज ऑफ देयर सीट्स. और फिर कुछ ऐसा हुआ जो 1960s में हुआ था. डीप सी चैलेंजर के नीचे चैलेंजर एबिस तक पहुंचते ही उसके रोबोटिक आर्म्स जो इंपॉर्टेंट सबूत इकट्ठा करने में मदद कर सकते थे वो अचानक से खराब हो गए, या ऐसा भी हो सकता है कि नीचे जो क्रीचर था वो ताकतवर के साथ साथ इंटेलिजेंट भी था, या फिर ये मे बी प्रेशर का किया कराया था. वेल, सो इस मिशन में भी हमें ज्यादा कुछ जानने नहीं मिला. बट ऐसा हमारा सिर्फ दूसरी बार भी नहीं हो रहा था. साल 2001 में ट्रायस्टे की तरह एक डीप सी एक्सपेडिशन किया गया था जर्मन्स द्वारा हाई
हाईफिश नाम के एक अनमैन्ड सबमर्सिबल वेसल को मरियाना ट्रेंच में भेजकर। बट जब हाईफिश लो जा रहा था तब सतह से करीबन 7 किलोमीटर नीचे वो अचानक से रुक गया और सतह पर मौजूद रिसर्च क्रू उसे जितनी चाहे कोशिश कर ले हिला ही नहीं पा रहा था और इसीलिए उन्होंने वेसल पर लगी इंफ्रारेड लाइट्स को ऑन कर दिया ताकि मरियाना ट्रेंच के जड़ तक ही ना ही सही, एटलीस्ट इस मिस्टीरियस मामले के तो जड़ तक जाया जा सके। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंफ्रारेड लाइट्स के स्विच ऑन करते ही क्रू ने देखा हाई फिश असल में एक लिजर्ड लाइक क्रीचर के जबड़ों में फंसा हुआ था जो उसे चबाने की कोशिश कर रहा था। सो टू सेव द वेसल क्रू ने तुरंत ही वेसल पर लगी एक इलेक्ट्रॉन गन की मदद से पानी में एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रिलीज किया जिसके जोरदार झटके से तिलमिलाकर फाइनली उस लिजर्ड लाइक क्रीचर ने हाईफिश को छोड़ दिया और अंधेरे समुद्र में कहीं गायब हो गया अंटिल इट रिटर्न बैक इन 2003 में ग्लोमर चैलेंजर नाम के एक अमेरिकन अनमैन्ड वेसल के साथ भी कुछ सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। जब वो नीचे गहरे पानी की ओर बढ़ रहा था While it was descending, crew ने vessel पर लगे recording devices की मदद से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी, as if कोई ship को vessel से attach रखने वाली metal cables को काटने की कोशिश कर रहा है। Ship में बैठे crew ने जैसे इस mystery को solve करने के लिए अपने monitors की ओर नजर घुमाया, they saw shadows of 12 to 16 meters huge creatures, जो somewhat दो सिर वाले dragonों की तरह नजर आ रहे थे। Crew members इन monsters को देखकर एकदम से डर गए और अपने इस 9 meter लंबे robotic vehicle को कहीं खोना दे इस डर से तुरंत ही उसे ऊपर सतह पर मौजूद शिप पर खींचने लगे। Once the vessel returned to the surface, पूरी क्रू की आंखें जैसे धरी की धरी ही रह गई क्योंकि वेसल के एक साइड का हिस्सा पूरी तरह से पिचक चुका था और उसे शिप से कनेक्टेड रखने वाली पावरफुल केबल्स ऑलमोस्ट कट चुकी थी, मानो उसे बस ऐसे ही रफली अटैच किया हो। बट फ्रेंड्स, ये सारे टेस्टिमोनियल्स आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसे जीवों का आज के समय में हो पाना पॉसिबल भी है? Well, but then, don't forget, we are talking over here about Challenger Abyss, जिसकी गहराई मैसिव है। Anything seems possible over here. कई जापानी मछुआरों को फिशिंग करते वक्त 11,000 साल पुराने शार्क टीथ मिले हैं नियर द मरियाना आइलैंड, जबकि प्रेजेंट डे शार्क स्पीशीज के दांत इतने बड़े नहीं होते और 10 से 20 मीटर लंबी मेगालोडॉन शार्क प्रजाति तो करीबन 2 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुकी है। एंड इवन रिसेंटली जब जेम्स कैमरॉन ने अपना डीप सी मिशन किया था तब उन्होंने 10 सेंटीमीटर बड़े जायंट एमीबा को भी रिकॉर्ड किया था, जिन्हें बाय द वे ज़ेनोफाइफोर्स भी कहा जाता है। But why are they so special? Well, they are special because ye creatures single-celled hai and nobody knows why. Aur fir agar hum baat kare Daikoku volcano ki, jiske crater mein ek molten sulfur ka talab hai, jo 2400 ghante 187 degrees ke bhari temperature par boil hota hai, par prithvi par ye ikalota aisa volcano hai. इसके जैसा दूसरा जो वोल्केनो है वो है इन द मून ऑफ जुपिटर कॉल्ड आयो। यानी ऑल इन ऑल द मरियाना ट्रेंच इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिरेकल्स ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि यहां पर हर वो लिविंग और नॉन लिविंग चीज है जो सतह पर एक तरह से काम करते हैं और गहराई में उनका मिजाज बदल जाता है। पर फ्रेंड्स, क्या आप इस मरियाना ट्रेंच और उसकी गहराई में चल रहे इन मिरेकल्स पर बिलीव करते हो? क्या ये क्रीचर्स की कहानी आपको सही लग रही है या फिर आपको लग रहा है वो नॉर्मल फिशेस हो सकती है, मे बी सिंपल शार्क्स या फिर कोई और जीव और उनके सिंपल बाइट्स हो सकते हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? और डू यू थिंक ऑल दीज आर कॉन्स्पिरेसी थियरीज टू प्रमोट सम एजेंडा? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड्स। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सरप्राइज साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।